हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स मार्टी क्रिएटर। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज की इस वीडियो में हम लोग एसबीटी के एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि डेट आप देख सकते हैं 18/10/2022, जो कि आज की डेट है। लेटर संख्या आप देख सकते हैं 4056। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब से 6th सेम वाले छात्रों का एक एग्जाम सेंटर आया है, तब से ही बहुत सारे छात्रों के मन में ये क्वेश्चन था कि क्या हमारा भी एग्जाम सेंटर चेंज होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि 6th सेमेस्टर वाले छात्रों का एग्जाम सेंटर इस बार चेंज हो गया था। तो बहुत सारे छात्र प्रीवियस वीडियो में कमेंट भी किए थे कि सर, 4 नवंबर से जिनका एग्जाम होगा, क्या उनका भी एग्जाम सेंटर चेंज होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2nd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर का जो एग्जाम होने वाला है, उन सभी के एग्जाम सेंटर के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजों का एग्जाम सेंटर चेंज हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका एग्जाम किस कॉलेज में होने वाला है, क्या आपका एग्जाम सेंटर चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सारे कॉलेजों के एग्जाम सेंटर को देखने वाले हैं, तो वीडियो फिर लास्ट तक बने रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। यहाँ पे आपको बिहार पॉलिटेक्निक से जुड़ी हर एक अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि डेट और लेटर संख्या आपने देख लिया, तो चलिए देख लेते हैं इस पूरे लेटर को। सेवा में प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य, यानी यहाँ पे जिन जिन कॉलेजों को एग्जाम सेंटर बनाया गया है, उन सभी कॉलेजों का नाम है, उनके प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल को ये लेटर लिखी गई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल 31 कॉलेज को एग्जाम सेंटर बनाया गया है। विषय आप यहाँ पे देख सकते हैं, माह अक्टूबर नवंबर 2022 में आयोजित होने वाली परीक्षा, यहाँ पे सेमेस्टर का नाम दिया हुआ है, इनका की एग्जाम 4 नवंबर से होने वाला है, यानी कि सेकेंड या फर्स्ट डिप्लोमा एग्जाम 2022 इवन न्यू सिलेबस, सेमेस्टर फोर्थ डिप्लोमा एग्जाम 2022 इवन ऑल या न्यू सिलेबस। और आपको पता है, पार्ट टाइम डिप्लोमा वाले छात्र का भी एग्जाम होने वाला है, सेकेंड फर्स्ट फोर्थ और 6th सेमेस्टर का। हेतु परीक्षा केंद्र के केंद्रीय अधीक्षक नियुक्त करने के संबंध में, यानी कि एग्जाम सेंटर सुपरिटेंडेंट नियुक्त करने के संबंध में। चलिए आगे देख लेते हैं इस नोटिस को। महाशय, उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि डिप्लोमा माह अक्टूबर नवंबर 2022 में आयोजित होने वाली डिप्लोमा परीक्षा सेमेस्टर, यहाँ पे फिर से सारे सेमेस्टरों का नाम दिया हुआ है, तो इसको हम स्किप करके आगे देखते हैं कि सैद्धांतिक विषयों के लिए निर्देशानुसार आपके संस्थान में केंद्र निर्धारण की सूची अनुसार परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है। आपको इस परीक्षा का केंद्राधीक्षक नियुक्त किया गया है, यानी जिन भी कॉलेजों के प्रिंसिपल को यहाँ पे नोटिस दिया गया है, उन सभी के एग्जाम सेंटर में एग्जाम सुपरिटेंडेंट नियुक्त करने के लिए नोटिस निकाली गई है। आगे हम लोग बात करेंगे आपके एग्जाम सेंटर के बारे में भी। ये परीक्षा आपको पता है 4 नवंबर से स्टार्ट है, जो कि अपने कार्य अनुसार चलेगी, जैसा कि डेट निर्धारित है। एग्जाम शेड्यूल भी आ चुका है, आपको पता है एग्जाम शेड्यूल पे भी वीडियो बन चुका है, और आज के डेट में ही आपका एग्जाम शेड्यूल भी आया है। तो इसी लेटर में आपका यहाँ पे एग्जाम सेंटर दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एडुकेशन, यहाँ पे सारे सेमेस्टरों का नाम दिया है जिनका एग्जाम होगा, और यहाँ पे दिया हुआ है अक्टूबर नवंबर 2022। यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला कॉलम में आपका एग्जाम सेंटर है, दूसरा में सेंटर कोड आपको यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ पे सीरियल नंबर इंस्टीट्यूट का दिया हुआ है, यहाँ पे कॉलेज का कोड दिया हुआ है, यहाँ पे आपके कॉलेज का नाम मिलेगा, और यहाँ पे जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है उनका नंबर मिलेगा। तो सबसे पहला कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दरभंगा, जिनका की एग्जाम सेंटर है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरौनी। ठीक है, अगला कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुंगेर और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांका, जिनका की एग्जाम सेंटर पहले भी भागलपुर होता था और इस बार भी भागलपुर ही दिया गया है। यहाँ पे एग्जाम सुपरिटेंडेंट का नंबर है, अगर कुछ भी डाउट हो आपको, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला है जीपी वैशाली और जीपी सिवान, जिनका की एग्जाम सेंटर है जीपी छपरा। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मधुबनी, जिसका की एग्जाम सेंटर है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दरभंगा। अगला है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक टेकरी गया, और गया के जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं सभी का एग्जाम सेंटर है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गया। ठीक है, अगला कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरौनी और गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर और सीआरके पॉलिटेक्निक हाजीपुर, इन तीनों कॉलेजों का एग्जाम सेंटर है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जहानाबाद और पीएचटीसी वैशाली सेकेंड शिफ्ट और सत्यम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गौरीचक पटना, इन तीनों कॉलेजों का एग्जाम सेंटर आपका है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 7। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कटिहार और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खगड़िया,
इनका भी एग्जाम पहले भी पूर्णिया होता था कटिहार का, इस बार भी पूर्णिया ही दिया गया है। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मधेपुरा और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सुपौल, जिसका एक एग्जाम सेंटर पहले भी सहरसा ही होता था और इस बार भी सहरसा ही दिया गया है। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना सेवन, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भोजपुर, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक बिहटा और मदरस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिहटा पटना, इन चारों कॉलेजों का एग्जाम सेंटर है एनजीपी पटना 13। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर, केएनएसजीपी समस्तीपुर, एक्जेल्ट कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक वैशाली और बुद्धा पॉलिटेक्निक लालगंज वैशाली, इन चारों कॉलेजों का एग्जाम सेंटर है गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर। अगला कॉलेज है एनजीपी पटना 13, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेकेंड शिफ्ट, आरपी शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दानापुर पटना सेकेंड शिफ्ट और पीटीटी सेमेस्टर की जो छात्र हैं एनजीपी पटना 13 के, इनका एग्जाम होने वाला है जीपी पटना 14। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पूर्णिया, अररिया और पूर्णिया के जितने भी कॉलेज है सबका एग्जाम सेंटर होने वाला है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कटिहार। नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छपरा, जिसका एक एग्जाम सेंटर होने वाला है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वैशाली। नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अश्वदाम नालंदा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अरवल, इन दोनों कॉलेजों का एग्जाम सेंटर है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीसराय। नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक औरंगाबाद, सितयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी औरंगाबाद सेकेंड शिफ्ट और प्रभु कैलाश पॉलिटेक्निक औरंगाबाद फर्स्ट शिफ्ट, इन तीनों कॉलेजों का एग्जाम सेंटर है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देहरी ऑन सोनी। नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नवादा, गंगा मेमोरियल कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक हरनौत, इन दोनों कॉलेजों का एग्जाम सेंटर है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अश्वत्थामा नालंदा। नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सीतामढ़ी, जिसका एक एग्जाम सेंटर है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सीहोर। नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोपालगंज, विकेनेस जीपी गोपालगंज, जिसका एक एग्जाम सेंटर है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोतिहारी। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहरसा और श्रीराम पॉलिटेक्निक मधुबनी, इन दोनों कॉलेजों का एग्जाम सेंटर है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मधुबनी। नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वेस्ट चंपारण और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोतिहारी, इन दोनों कॉलेजों का एग्जाम सेंटर है विकेनेस जीपी गोपालगंज। नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जमुई और जमुई पॉलिटेक्निक जमुई प्राइवेट जो है उसका एग्जाम सेंटर है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुंगेर। नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागलपुर और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शेखपुरा, इन दोनों कॉलेजों का एग्जाम सेंटर है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जमुई। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गया और आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक गया जो प्राइवेट कॉलेज है उसका एग्जाम सेंटर है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक टेकरी गया। नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बक्सर और चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक एंड टेक्नोलॉजी जो कि भोजपुर में है इसका एग्जाम सेंटर है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कैमूर। नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कैमूर और गिरिजा देवी पॉलिटेक्निक कॉलेज, इन दोनों का एग्जाम सेंटर है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बक्सर। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शिवहर और बीकेपीआई सीतामढ़ी, इन दोनों कॉलेजों का एग्जाम सेंटर है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सीतामढ़ी। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज और अजमत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी किशनगंज, इन दोनों कॉलेजों का एग्जाम सेंटर, सॉरी एक और कॉलेज है किशनगंज का ही मीडिया पॉलिटेक्निक किशनगंज, जिसका कि एग्जाम सेंटर है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अररिया। नेक्स्ट कॉलेज है के पॉलिटेक्निक नालंदा, जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिहार शरीफ नालंदा, जिसका कि एग्जाम सेंटर है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नवादा। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देहरी ऑन सोनी और जेम्स पॉलिटेक्निक कॉलेज औरंगाबाद, जिसका कि एग्जाम सेंटर है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक औरंगाबाद। और आज का हमारा लास्ट कॉलेज है और लास्ट सेंटर है गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक पटना, जिसका कि एग्जाम सेंटर है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जहानाबाद। ये टोटल 31 एग्जाम सेंटर थे, तो किस कॉलेज का एग्जाम सेंटर कहाँ पे होने वाला है ये मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अगर किसी भी कॉलेज से जुड़ी कुछ भी डाउट है तो उनके एग्जाम सुपरिटेंडेंट से आप बात कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी डाउट है आप तो क्लियर करवा सकते हैं। वीडियो से जुड़ी कुछ भी डाउट है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन हो सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।